गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास में क्या स्टडी किया था हम लोगों ने? लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपना जो चैप्टर नंबर 5th जो रनिंग में था, उस चैप्टर के एक्सरसाइज 5.7 चैप्टर 5th रनिंग में था। सो एक्सरसाइज 5.7 हम लोगों ने की थी, जिसमें किस चीज की एक्सरसाइज थी? वो ऑफ डिविजन्स। ओके, डिवीजन स्टोरी प्रॉब्लम डिविजन्स की एक्सरसाइज थी वो। ओके, जिसमें कि हम लोगों ने क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड हम लोगों ने सॉल्व किया था। ओके, व्हाट विल डू इन दिस क्लास? इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, जो अपनी नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8, ये जो क्वेश्चंस हैं ये हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 3rd, द कॉस्ट ऑफ 10 ऑरेंजेस इज रुपीज 80। ओके, 10 ऑरेंजेस की कॉस्ट कितनी है? रुपीज 80। ओके, ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 24 ऑरेंजेस, क्या करना है हमें? 24 ऑरेंजेस की कॉस्ट फाइंड करनी है। 24 ऑरेंजेस की कॉस्ट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? 10 ऑरेंजेस की कॉस्ट दी हुई है, सो पहले हम 10 ऑरेंजेस की कॉस्ट 80। ओके, सो पहले क्या करेंगे, 1 ऑरेंज की कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो क्या करेंगे, 80 डिवाइड बाय 10। क्या करेंगे, 80 डिवाइड बाय 10, 80 को 10 से डिवाइड करेंगे, फिर जो हमारे पास आंसर आता है, ओके, 80 डिवाइड बाय 10 के बाद जो हमारे पास आंसर आता है, उस आंसर को हम 24 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, मतलब 80 डिवाइड बाय 10 क्या होता है? 8। 80 डिवाइड बाय 10 क्या आंसर आता है? 8। एंड 8 को जब हम 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा? 24 ऑरेंजेस की कॉस्ट। ओके, क्या होगी? कॉस्ट ऑफ 24 ऑरेंजेस। ओके, पहले क्या किया, 10 ऑरेंजेस की कॉस्ट दी हुई थी 80 रुपीज, तो 1 ऑरेंज की कॉस्ट फाइंड की, फिर जो 1 ऑरेंज की जो कॉस्ट आती है उसे 24 ऑरेंजेस से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 4th, द कॉस्ट ऑफ 4 कैलकुलेटर्स इज रुपीज 1460 की 4 कैलकुलेटर्स की कॉस्ट, 4 कैलकुलेटर्स की कॉस्ट कितनी है? रुपीज 1460। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 32 कैलकुलेटर्स, तो 32 कैलकुलेटर्स की कॉस्ट क्या होगी? क्या करेंगे, 4 कैलकुलेटर्स की कॉस्ट दी हुई है, तो इससे 1 कैलकुलेटर की कॉस्ट फाइंड करेंगे। ओके, एंड जो 1 कैलकुलेटर की कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी, तो उससे क्या करेंगे हम, 32 कैलकुलेटर्स की वैल्यू की कॉस्ट फाइंड कर लेंगे। ओके, सो क्या करेंगे, 1460 डिवाइड बाय 4, 1460 डिवाइड बाय 4, जो हमारे पास आंसर आता है उस आंसर को 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, जो हमारे पास यहां से जो आंसर आएगा 1460 को डिवाइड करने के बाद बाय 4 के जो आंसर आएगा उसे 32 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5th, द कॉस्ट ऑफ 3 शर्ट्स इज रुपीज 2697, 3 शर्ट्स की कॉस्ट रुपीज 2697 है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 शर्ट्स, तो 5 शर्ट्स की कॉस्ट क्या होगी? ओके, ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है हमें कि 3 शर्ट्स की कॉस्ट अगर
2697 रुपीज है, तो 5 शर्ट्स की क्या होगी, क्या करेंगे, 2697 डिवाइड बाय 3, जो आंसर हमारे पास आएगा उसे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। ओके, इनको डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा उसे 5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा एंड हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन 6, क्वेश्चन नंबर 6, द कॉस्ट ऑफ 2 kg dozen mangoes, 2 kg dozen mangoes की कॉस्ट क्या है, रुपीज 456, 2 kg dozen mangoes की कॉस्ट क्या है, 456 रुपीज। वॉट विल बी द कॉस्ट ऑफ 15 dozen mangoes, सो 15 dozen mangoes की कॉस्ट क्या होगी, क्या करेंगे हम 456 रुपीज को 2 kg dozen बनाना से डिवाइड कर देंगे। ओके, दैट मीन्स 456 डिवाइड बाय 2। ओके, इनको डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा उस आंसर को 15 dozen mangoes से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। ओके, क्या किया जाएगा, 15 dozen mangoes से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 7, द कॉस्ट ऑफ 12 kg ऑफ सुगर इज रुपीज 456, 12 kg सुगर की कॉस्ट रुपीज 456 है, सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 50 kg ऑफ सुगर, तो 50 kg सुगर की कॉस्ट क्या होगी, क्या करेंगे, 456 डिवाइड बाय 12, जो आंसर आएगा उसे 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, 456 डिवाइड बाय 12, जो आंसर आएगा उसे 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन 8, द कॉस्ट ऑफ 24 चेयर्स इज रुपीज 2448, कि 24 चेयर्स की कॉस्ट रुपीज 2448 है, सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 38 चेयर्स, तो क्या करना है हमें, 38 चेयर्स की कॉस्ट फाइंड करनी है। पहले 1 चेयर की कॉस्ट फाइंड करेंगे, कैसे, 2448 डिवाइड बाय 24, ओके, ये डिवाइड करेंगे तो 1 चेयर की कॉस्ट आ जाएगी, फिर 1 चेयर की कॉस्ट को हम 38 चेयर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, 38 चेयर्स को जब हम जो आंसर आएगा उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 38 चेयर्स की कितनी कॉस्ट होगी, वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो हियर आर एक्सरसाइज 5.7 इज कंप्लीटेड एंड आर दिस चैप्टर इज ऑल्सो कंप्लीटेड। सो अगर चैप्टर नंबर 5 में आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होती है, कहीं भी कोई भी डाउट होता है सॉल्व करने पर, सो यू कैन आस्क टू मी, ओके, आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, बाय।